Good morning, students. Let's do the revision. So I am going to write few questions on the board. You will solve. Okay. But answer ऐसे नहीं देना. Solve करो. Then we will discuss. You have to find the value. करते जाओ. करते जाओ. खुद करना है, किसी से डिस्कस नहीं करना बेटे. ठीक है, नहीं आता छोड़ दो. वन मिनट. Hurry up. Start doing after 2-3 minutes. I will discuss. Okay. All right. So now everyone pay attention, beta. Arzu. First one is very easy. Anything raised to power 0 is 1. 1 plus 1, 2, 2 over 1. The answer is 2. 1 plus 1. 2, 2 over 1 is 2. So easy. Give me the duster. 10, beta. Yes. Sir, 9 raised to power 1 by 2. ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? 3 square. Look here. Same base, powers will be added. 81 raised to power. 0.16, 0.09. 0.25 means 25 by 100. 9 square raised to power 1 by 4. ठीक है, या 81 को हम लिख सकते हैं 3. क्या जो ऑप्शन में आ जाए, अगर ऑप्शन में 81 रेस्ट पर 1 बाय 4 तो वही टिक करोगे. ऐसे नहीं होगा, जैसे मान लो इसका आंसर क्या है, 3 रेस्ट पर 4 रेस्ट पर 1, ये कट गया, आंसर इज 3. ऐसे नहीं होगा कि ऑप्शन में आ जाए 81 रेस्ट पर 1 बाय 4 आल्सो 3 आल्सो. नहीं, ऐसे आएगा ही नहीं ना बेटा. एक क्वेश्चन के जो दो आंसर हैं, जैसे मान लो ये भी है ये भी है, ठीक है, ऐसे आ देंगे ही नहीं. अगर ऐसे मान लो दोनों ऑप्शन आ गए तो लिखा आएगा बोथ बी एंड सी. ऐसे आएगा ही नहीं, एमसीक्यू नहीं आता, ऐसे नहीं आएंगे. वन आंसर विल बी देयर इधर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, राइट? ओके, बताओ लक्ष्य. हाँ जी, थर्ड. नहीं, वो बताएगा. एक मिनट रुक जाओ, मुझे कलेक्टिव आंसर भी चाहिए प्लीज. ये कौन है? धीरेन. हाँ जी धीरेन. मैम कौन? आंसर इज वन. मैम वन गलत. यस, वंशिका ने सही लिखा. ओके वंशिका, वेरी गुड. फिर म्यूट करो बेटा. ओके मैम.
सेम बेस पावर्स विल बी मल्टीप्लाई पावर्स विल बी एडिड. बोलो कुछ. सो रहे हो, नींद में आई है. ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कैंसल. बी बी कैंसल, सी सी कैंसल. एक्स रेज टू पावर जीरो, आंसर इज वन. ठीक है, इट इज वेरी इजी. पहले मैंने ऐसे बोला आपको कि मुझे कलेक्टिव आंसर चाहिए ही नहीं. लक्ष्य बोलो. सेवन रेज टू पावर टू बाय 15. 49 किसने कहा? क्या किया आपने? 1/5 में से 1/3 को माइनस किया. क्यों? डिवाइड सेम बेस डिवीजन साइन, सो द पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. 15 एलसीएम 5 माइनस 3. 7 रेज टू पावर 2/15 इज द आंसर. आया सबका ये आंसर? ये आप तो अभी आए. फाइन. मींस मान लो ऐसे हो, 9 रेज टू पावर 8 ओवर 9 रेज टू पावर 3 जनरल. तो 8 माइनस 3 ऐसे नहीं, 3 नीचे 8, 9 रेज टू पावर 3 माइनस 8 दैट इज 9 रेज टू पावर माइनस 5 विच कैन बी रिटन एज 1 ओवर 9 रेज टू पावर 5. पहले वाली पावर पहले आएगी माइनस सेकेंड वाली पावर. बड़े में से छोटे को माइनस मत कर देना. ओके लोग समझ आ गई बात? बड़े में मतलब जो पहले ऊपर न्यूमिरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर वाली पावर को माइनस करना. यूजुअली यही होता है कि अच्छा 8 है तो 3 है 8 माइनस, वो गलत हो जाएगा. ठीक है, 9 रेज टू पावर पहले न्यूमिरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को हमने सब्ट्रैक्ट. ठीक है बेटा, चलिए आगे. आंसर नहीं आया. 2.5 5/2. यस ब्रेन. व्हाट अबाउट अदर? 5/2. ओके सो 5/2 इज द आंसर. लुक हियर, z की वैल्यू क्या है? 0.1/3 z की वैल्यू रिप्लेस कर दी. अब डेसिमल हटाएं, ऊपर क्या आ जाएगा? 1000. नीचे क्या आ गया? 64. खत्म हो गया पॉइंट. डिनोमिनेटर में 3 है, इसको लिख सकते हैं 10 क्यूब. इसको 8 कौन बोल रहा है? 4 क्यूब. 4 16, 4 64. इट विल बी 10/4. दोनों की पावर 3 है तो कंबाइन करके बाहर निकाल लेंगे. इनटू 1/3 कैंसल. कटिंग करो, 2 5 10, 2 2 8. सो द आंसर इज 5/2 और 2.5. ये तो आपके टेस्ट में आया भी हुआ मुझे लगता है, पहले फर्स्ट टर्म में. याद है कुछ? कितना है आंसर? एक्स रेज टू पावर क्या किया? एक्स स्क्वायर है हमारे पास. एक्स स्क्वायर का क्या है? क्यूब रूट 1/3. पावर्स पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. लक्ष्य अगले का आंसर करो. इफ यू हैव नॉट डन दिस 7 क्वेश्चन, हरी अप डू इट, देन आई विल डू. करो करो, शाबाश. अब ये नेगेटिव है. ठीक है, हाँ, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस 2. नहीं बेटा,
जब रेसिप्रोकल करते हैं तो वही टर्म जैसे डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चले जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। रेसिप्रोकल मतलब नंबर नीचे है तो पावर को हमने पॉजिटिव करना है, नंबर ऊपर गया पावर पॉजिटिव, अगर ऊपर नेगेटिव है। तू साहिल चुप कर जा, करने दे बच्चों को, शांति रख थोड़ी सी। कर लिया? क्या आंसर है, क्या आंसर है साहिल? 80 है आपका? गलत, करो करो, दिव्या करेगी। यस धीरेन मैम, मेरा भी 80 आ रहा है। 80 आंसर है, 80 जा पानी ला के दे। देखा, कोई बात ही कांगड़ी पहलवान। ऑनलाइन में नहीं ये बोलता था, ऑफलाइन में देख धड़ाधड़ आंसर दे रहा। लक्ष्य हुआ नहीं बेटा? लुक हियर ऑन द बोर्ड एवरीवन, 4 × 216 raised to power 2/3 − 256 raised to power 3/4 ऊपर चला गया। अब 4 × 6³ × 2/3 − 256 4 × 4 = 16 4 power 4 power 4 × 3/4 3 3 cancel 4 4 cancel 4 × 6² − 4³ 6 × 36 36 4 = 144 − 64 आंसर इज 80। चार स्टेप्स का आंसर। ओके, वन क्वेश्चन इज देयर, वैसे ये टाइप है नहीं हमारी बुक में, बट स्टिल यू नेवर नो, थर्ड्स तो है ना। विच इज ग्रेटर आउट ऑफ दीज थ्री? टू फिफ्टी सिक्स वाला, टू फिफ्टी सिक्स की पावर थी ना माइनस टू बाई थ्री, तो उसी की पावर रहेगी। हाँ, फोर तो अलग है, कैसे 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 बाकियों की? वैसे इसका करेक्ट मेथड ठीक है, तुम क्या कह रहे हो रूट टू इज ग्रेटर, गलत है। देखो बेटा, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या देखना है, इसमें स्क्वायर रूट है, इसमें क्यूब रूट है, इसमें फोर्थ पावर है, व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द एलसीएम ऑफ द इनर नंबर्स, नंबर्स इनसाइड द रूट, या एक मिनट रुक जाओ। इसका एलसीएम लोगे, इसमें बाय चांस नंबर भी वही है, ये जो रूट्स हैं, स्क्वायर रूट मींस 2, क्यूब रूट मींस 3, फोर्थ रूट मींस 4,
एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आएगा 12। फिर आपने क्या करना है, जैसे यहां पर क्या था 2, 12 की पावर बना देनी है, 12 की पावर बनानी है तो क्या करना है, जैसे यहां पर 2 है, 2 6 जा 12, अंदर क्या आ जाएगा 6। कैसे, ये देखो 2 एलसीएम ले लिया 12, ठीक है एलसीएम ले लिया। उसके बाद हमने इसको चेंज कर रहे हैं ना, हमने यहाँ 2 की जगह पे क्या लिख दिया 12, तो अंदर 2 थोड़ी रहेगा, अंदर कौन सा नंबर आएगा, 2 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है, 6 से, तो 2 रेस टू पावर 6। इधर देखो या फिर इधर देखो ऐसे नहीं, 2 रेस टू पावर 6 इंटू 1/12, ये क्या आया 2 रेस टू पावर 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने अपने क्वेश्चन का फॉर्म बदल रहे हैं, ठीक है, जब हमने 2 रेस टू पावर 6 इंटू इसको 1/12 भी करेंगे ना, ये समझ आ गया 1/12 क्यों कटिंग होगी, वो रूट 2 ही आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेम आया हिमांशी, ठीक है। इसी तरह से जब इसको 12 बनाना है तो 3 4 आर 12, तो अंदर जो भी नंबर है वो हो जाएगा 4। देखो 4 रेज टू पावर 4 इंटू 1/12 वही आएगा, ठीक है। जनरल मेथड है कि बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। 4 के टेबल में 12, 3 पे 3 रेज टू पावर, नाउ ऑल द नंबर्स आर विद द स्क्वायर रूट विद द 12th रूट, ऑल द नंबर्स आर विद द 12th रूट। अब आप देखो 2 2 4 2 8 16 32 60, ये आएगा 256, ये 27। बाहर 12th रूट है सबकी, तो जो नंबर अंदर सबसे ग्रेटर है दैट इज ग्रेटर वन, ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर, उसके बाद ये फिर वो, ये सबसे बड़ा, फिर ये फिर वो। बेटा हमने डिस्कस कर लिया, यू नेवर नो, ठीक है ना, आ सकता है नहीं आ सकता, वैसे यूजुअली बेटा रूट टू का मतलब 2√2 ही होता है, अगर अकेला रूट टू लिखा है तो इसका मतलब वो 2√2 ही है। दिव्यांशु नहीं समझ आया बेटे, नहीं समझ आया क्या बेटा, ये अंदर है, ये अगर ऐसे हो तो अलग, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2√2 है, 2√2 मतलब रूट टू कितनी बार है, 2 बार, और अगर ऐसे है तो इसका मतलब रूट टू कितनी बार है, 1 बार। इसका मतलब समझ नहीं आ रही है, इसमें क्या है मुश्किल, जैसे हम क्यूब रूट लिखते हैं तो ये बीच में नहीं लिखते इसके, ऐसे ही स्क्वायर रूट का मतलब 2 लिखते नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या होता है 2, ये जो नंबर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, बात समझ में आ गई। 4 रेज टू पावर एलसीएम लिया ना इसका, तो वो समझ आ गया, 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 पे तो जो नंबर है उसकी पावर वो कर देनी है, 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, तो जो भी अंदर नंबर है उसकी पावर 3 कर देनी। जस्ट इट वॉज द क्वेश्चन वॉज देयर इन द बुक, तो आई हैव डिस्कस्ड, यू नेवर नो, टू चेक द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन कैन कम, बट 1 मार्क तो है ना। चलो इसका एक और क्वेश्चन करिए, चलो okay.
मल्टी मुझे नहीं पता, तुम खुद देखो वहां, मैं आऊंगी बताने। हाँ ये आपस में हो तुम लोग बताने के लिए, ये तो मैंने कब मना किया? रुक जाओ, क्या आंसर है? गलत है। तूने क्या बोला है? 4√25। मैं इतना नहीं ना सोचूंगी बेटे, 4√25 ऑप्शन में नहीं देंगे। सिंप्लीफाइड आंसर ही होता है हमेशा ऑप्शन में वैसे यूजुअली, ठीक है? यस प्रणय, मैम 25 है आंसर। नहीं बेटा, √5 आंसर। यस धीरेन, मैम मेरा 4√25 आ रहा है। क्या रहा है? 4√25। 4√25 को आगे सॉल्व करो, 5 square into 1/4 power 2 के साथ कट जाएगा, 5 raised to power 1/2 that is root 5। मैम यस आ गया मैम, वो मैंने 1/2 को एक्सपोनेंट 2 कर दिया था। हाँ जी लक्ष्य आया आंसर, आ गया √5 इज द आंसर। हाँ जी 5 2³ × 1/3 + 3³ × 1/3 सबकी पावर कितनी है? ये होल पावर 1/5, 2 + 3 = 5, 25 raised to power 1/4, 5 square into 1/4, 5 raised to power 1/2 that is 5। So easy। हाँ जी युग, तो सो इजी, ऐसे तो आएंगे क्वेश्चंस, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन ऐसे है, ये तो इजी वाला है, फर्स्ट चैप्टर सिलेबस में है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमारा है ना एक्सपोनेंट्स का पार्ट, दैट पार्ट, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग। समझ आ गया? चलो अब लीनियर इक्वेशन के 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, लिखो। ओ माय गॉड, संभाल के रख रहे हो युग अपने दिमाग को, सेविंग फॉर द एग्जाम्स। चल कोई बात नहीं, अब लगा दिमाग, चल लिखो जल्दी जल्दी। अ रैबिट कवर वाई मीटर, जल्दी लिखना शॉर्ट में, अ रैबिट कवर्स वाई मीटर डिस्टेंस बाय वॉकिंग 10 meters, A rabbit cover y meter distance by walking 10 meters in slow motion. By walking 10 meters in slow motion and the remaining by x jumps and the remaining by x jumps, comma, each jump contain 2 meters. Each jump contain 2 meters. Make the linear equation. Dubara bolungi. A rabbit covers y meter distance by walking 10 meters. Sahil, answer nahi dena, theek hai? Pe hand raise karna hai. By walking 10 meters in slow motion and the remaining by x jumps. Each jump contain 2 meters. मुझे नहीं पता, एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑब्वियसली इन 2 वेरिएबल्स, अब कोई बोलेगा नहीं। इधर आओ,
दिखाओ दीदी आंसर अपना के, आप भी आओ। बिल्कुल ठीक है, छुपा ले। नित्या लेट मी सी वेदर यू कैन फाइंड, लाओ बेटा दिखाओ। कर लिया इसने, सब कर लेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है, गलत है, बिल्कुल ठीक है। युग को दिमाग लगाने दो, युग मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, 1 मिनट है। हाँ साहिल आंसर नहीं आया, ओ गॉड। ये जरूरत नहीं है। ओके बेटा लास्ट 1 मिनट प्लीज सी। कहते हैं रैबिट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वाई मींस टोटल डिस्टेंस इज वाई। ही कवर्स 10 मीटर बाय स्लो मोशन, 10 मीटर उसने स्लो मोशन से किया, बाकी का जो डिस्टेंस है उसने एक्स जंप्स लिए, और हर एक जंप में अगर एक जंप में एक्स मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 2 मीटर सॉरी एक जंप में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एक्स जंप में कितना करेगा, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस उसने स्लो मोशन में किया फिर उसने भागना शुरू कर दिया, जंप्स लेने शुरू कर दिए, प्लस 2x एंड दिस इज द टोटल डिस्टेंस। पहले उसने 10 मीटर स्लो मोशन में, बाकी का डिस्टेंस ही स्टार्टेड जंपिंग एंड ईच जंप इज कवरिंग 2 मीटर एंड द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x। दिव्यांशी थोड़े से क्वेश्चन भेजे थे रात को, देख लेना आज और भेज दूंगी। बेटा ऐसे नहीं है मिक्स, कोई भी बीच में से लिंक में से देख कर ढूंढने पड़ते हैं साइट, क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। आप जो करवा रही हो वो देखो ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से एमसीक्यूज है वो क्वेश्चंस करो और जो भेज रही हो वो करो, बाकी यू कैन फॉलो एनी अदर बुक। आरडी में कितने एमसीक्यू है वो कर सकते हो, नहीं बेटा ऐसे फिक्स नहीं, मुश्किल है। हाँ आपको बुक्स बेटा खुद, आपको खुद फॉलो करनी पड़ेंगी बुक्स को, ठीक है चलो। ऑल राइट स्टूडेंट्स सी यू टुमारो बेटा, टेक केयर।